स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे लुअर्स पैनल्स कैसे लगाते हैं। लुअर्स पैनल के इंस्टॉलेशन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कौन कौन सी एसेसरीज की जरूरत पड़ती है, लुअर्स पैनल को कैसे लगाते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमने लुअर्स पैनल को क्रॉस काट के लगाया, क्योंकि क्रॉस जो होता है वो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है क्रॉस काट के लगाया है। यहाँ पे हम सारे पैनल्स को लगाने के बाद इसमें जो है प्रोफाइल लाइट भी लगाए हैं जिगजैग डिजाइन में। वीडियो के आखिरी में मैंने उसका भी लिंक दिया है एंड स्क्रीन पे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लुअर्स पैनल लगाने के लिए जाल बनाया है, क्योंकि हमें ये डिजाइन थोड़ी सी ऊपर चाहिए थी और इसे आपको जो है डायरेक्ट दीवार पर लगाना है। आपको कोई भी जाल बनाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें हमें क्लिप की ज़रूरत होती है जो आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, और ये क्लिप आपको लुअर्स पैनल के साथ में ही मिलता है। और कुछ इस तरह से आपको इस क्लिप को लगाना है अपने पैनल में। और अगर आप डायरेक्ट दीवार पर पैनल लगा रहे हैं तो आपको हैमर से होल करके उसमें गुल्ली लगा के पेस्ट से टाइट करना होगा। अगर आपने जाल बनाया है तो आपको होल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप काली पेस्ट से इसमें जो है टाइट करके रोक सकते हैं। पहला पैनल जो होगा हमारा उसको अच्छे से जाम करना है, ऊपर के साइड हमें काले पेस्ट से जाम कर देना है और नीचे हमें क्लिप लगा के, जैसा कि आपको हमने वीडियो में दिखाया पहले, उस तरह से आपको नीचे साइड क्लिप लगा के जाम करना है। उसके बाद आपको अपने दूसरे साइड वाले पैनल को नाप के बिल्कुल उसी फिक्स साइज का क्रॉस में काट लेना है। उसके बाद आपको पैनल उसी तरीके से जो है क्लिप और अभी हमारे सारे पैनल्स लगभग लग चुके हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है। क्रॉस काटने से एक अलग अट्रैक्टिव लुक दिखता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is free.